आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडिनियम में। आज हम देखेंगे कि मैं एडिनियम में ग्राफ्टिंग कैसे करता हूं, और आज इस वीडियो में हम फ्लैट और वी ग्राफ्टिंग दोनों देखेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से आज हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और गार्डनिंग में आपकी हेल्प करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आप जैसे प्लांट देख रहे हैं, ये वही प्लांट हैं जो लास्ट ईयर जो हमने सीड्स लगाए थे, और सीडलिंग की रिपोर्टिंग, और ये वही प्लांट हैं। ये करीब करीब 11 महीने के आसपास के प्लांट हो गए हैं। तो देखिए कितने हेल्थी प्लांट हैं। इन्हीं प्लांट्स में से कुछ प्लांट की तो मैंने पहले ग्राफ्टिंग शुरू में आपको दिखाया है, उनकी ग्राफ्टिंग मैंने कर ली है, और इन्हीं में से कुछ प्लांट में हम आज ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ्टिंग के लिए ये कुछ पौधे हमने ले लिए हैं, और ग्राफ्टिंग के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। एक तो हमें सबसे पहले ग्राफ्टिंग टेप की ज़रूरत है, हमें एक ग्राफ्टिंग टेप लेना है और ब्लेड लेना है। आप इसके लिए नई ब्लेड लें और एक मार्कर लेना है, ताकि हम अपने प्लांट का जो वैरायटी है या कलर है उसका नंबर डाल सकें। और यदि हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको कवर करने के लिए हमको इस तरह से ट्रांसपेरेंट एक पन्नी की ज़रूरत है। तो बस अब हम ग्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नीचे एक बैग इसलिए बिछा लिया है ताकि धूल वगैरह हमारे जो कट पोर्शन है उस पर धूल वगैरह लगे नहीं। तो देखिए ये देखिए इस तरह से यदि हम प्लांट को लेते हैं, ये करीब हमारा करीब करीब एक साल का ही प्लांट है ये, और इस तरह के प्लांट में हम ग्राफ्ट करते हैं तो हमारे ग्राफ्ट कभी फेल नहीं होते हैं। और यदि हम पतले प्लांट पर या कमज़ोर प्लांट पर या 6-7 महीने के प्लांट पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो हमारी ग्राफ्टिंग फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लेड से जिस भी हाइट पे हमको ग्राफ्ट करना है उस हाइट पे हम एक कट लगा लेते हैं, और इसके बाद हमें एक फाइनल कट और लगाना है, क्योंकि जब हम ये कट लगाते हैं तो इसके ऊपर एक लिक्विड निकलता है, सैप निकलता है, तो उसे हमें हटाना रहता है। तो देखिए इस प्लांट की हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसकी हमें एक ब्रांच ले लेना है, देखिए जी इस वैरायटी के इस कलर के प्लांट की हमने एक ब्रांच ले ली है। और टैबलेट ग्राफ्टिंग के लिए हमें, और देखिए ये जो कट लिया है हमने इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, देखिए ये तिरछा कट नहीं होना चाहिए, ये देखिए इसको हम, ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है तो इसको हमने सीधा कट कर लिया है। और जो ग्राफ्टिंग पोर्शन के लिए जो हम ये देखिए इस पर ऊपर जेल इकट्ठा हो गया है सैप, तो इसको हमको हटा देना है, तो इसके लिए हमें और इसमें एक कट लेना है। देखिए कट किस तरीके से लगाया है, हमें कट को आड़ा तिरछा या उसमें रफ कट नहीं होना चाहिए, तो देखिए। और जो हमें ग्राफ्टिंग पोर्शन लेना है इसके अंदर कम से कम 2 या 3 आईज होना चाहिए जहाँ से फुटाव होता है, कम से कम 2 आईज होना जरूरी है, ये देखिए। तो इस तरह से हम, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें कट नहीं लेना है, 1/2 इंच से आसपास हमें कट लेना है, देखिए इतना बड़ा हमने पीस लिया है इसका, ये देखिए। और इस बात का और हमें ख्याल रखना है
कि जो हमारा कट पोर्शन है वो सीधा ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जैसे ब्रांच है तो हमने जैसे नीचे से कट कराए, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही होना चाहिए और नीचे का हिस्सा नीचे ही होना चाहिए। यदि हम इसे उल्टा यदि लगा देंगे तो भी हमारी ग्राफ फेल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसको सेंटर में रखकर ये ग्राफ्टिंग टेप का इस तरह से हमें पीस ले लेना है एक। ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ के आप खींचेंगे तो ये कट जाएगा। इसे हम ब्लेड से या नाइफ की सहायता से भी काट सकते हैं। तो देखिए इसको सेंटर में रखकर धीरे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं दबाना है, बस इतना दबाना है कि ये जो हमने ऊपर जो ड्राफ्ट करा है वो अच्छे से चिपक जाए उससे। तो देखिए इस तरह से हम इसको, और यदि हमारे पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो हमारे जो पैकिंग में जो पन्नी आती है उनसे भी हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। और इसको इस तरह से, तो ये हो गया हमारा ग्राफ्ट। देखिए कितने आसानी से, और जो ये ग्राफ्ट पोर्शन है हमारा करीब करीब 80 से 85% उससे टच होना चाहिए नीचे, और यदि उतना टच नहीं होगा तो हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। और जो हमने ग्राफ्टिंग टेप लिया है उससे हमारा पूरा पोर्शन ऊपर का कवर होना चाहिए। और देखिए जो भी हमने ग्राफ्ट करा था उसका नंबर डाल दिया इस पे, और ये हमारी ग्राफ्ट। इसी तरह से मैं आपको एक प्लांट पर और ग्राफ्ट करके बताता हूँ। इसी प्लांट का एक और ग्राफ्ट करते हैं हम। तो उसके लिए भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर जब हम कट करते हैं इसको तो ऊपर जो जेल इकट्ठा हो जाता है तो उसे हमें, इसलिए हम इसे एक बार और कट कर देते हैं। तो देखिए हम इसे एक बार और कट कर देंगे, और जब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल ऊपर रखकर उसी तरह से ग्राफ्टिंग टेप से हमें इसे ग्राफ्टिंग टेप से पूरा कवर करना है, चारों तरफ से ग्राफ्टिंग टेप हमें इतना ही चौड़ा लेना है। देखिए पूरा जो ऊपर का कट पोर्शन है, ग्राफ्टिंग पोर्शन है, वो पूरा कवर हो रहा है। यदि वो खुला रह जाएगा तो ये हमारा ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है ये ड्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्राफ्ट करके इसको हम अच्छे से बांध देंगे। और एक बात का, क्राफ्ट करने के बाद हमें इसे कहीं भी छांव वाली जगह पे रखना है कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए। और जो प्लांट लेते हैं हम, इसमें ग्राफ्ट करने के पहले भी हमें 2-3 दिन पहले से इसमें वाटरिंग नहीं करनी है, और ग्राफ्ट करने के बाद भी करीब करीब एक हफ्ता हमें इसमें वाटरिंग नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते के बाद ही इसमें हम वाटरिंग करें। तो देखिए इस अब हम वी ग्राफ्टिंग करेंगे। वी ग्राफ्टिंग करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें, और जो ये ब्रांच है हम इसे ड्राई करके कटिंग लगा देंगे इसकी हम। इस देखिए ये येलो कलर का फ्लावर है, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर आता है येलो कलर का। तो इस इसकी ब्रांच लेकर हम वी ग्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 इंच की ब्रांच लेना है, और ब्रांच में जो भी लीव्स है, ये फ्लावर है, उसे हमें हटा देना है। वो देखिए इसमें भी हमें वी शेप से कट करना है, और यहाँ दोनों तरफ
ताकि वो आसानी से उसके अंदर फंस सके। देखिए इसमें हमें, देखिए इस तरह से भी एक तिरछा कट लगाना है, दोनों तरह से हम तिरछा कट लगाएंगे। तो जो बीच का जो पोर्शन है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए, इसको निकालने के बाद जो हमने कटिंग ली है उसमें भी हम वी शेप का कट लगा देंगे दोनों तरफ से। जो प्लांट में हमने इस तरह से प्लांट में इसको फंसा देंगे। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ग्राफ्टिंग टेप, इस तरह से हम ग्राफ्टिंग टेप लेंगे, देखो थोड़ा सा खींच लेंगे। ये देखिए, और इसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे और इसको बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं हमें बांधना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना है, बस इतना ही हमें टाइट रखना है कि जो हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन जो हमने ब्रांच लगाई है वो हिले नहीं। तो देखिए पूरा इसको अच्छे से कवर कर लेंगे हम। जब भी हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसके बाद हमें इसे जो हमने कटिंग लगाई है ऊपर इसको हम पॉलीबैग से कवर करना जरूरी है। ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, वो जो हमारा कट पोर्शन है ये जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो ड्राई नहीं हो। देखिए इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट हम पॉलीबैग ले लेंगे और इस तरह से इसको कवर करके नीचे से बांध देंगे ताकि ये मॉइस्चर बना रहा है और जो हमारी कटिंग है वो ड्राई नहीं हो। और इसे भी हमें जहां पर एक आध घंटे की ही धूप आती हो उस ऐसी जगह पर ही रखना है हमें, और इसमें भी हमें कम से कम एक हफ्ता वाटरिंग नहीं करनी है। ग्राफ्टिंग करने के बाद हम उसमें नंबर डाल देंगे। इस तरह से आप यदि आप भी अपने प्लांट में ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग भी फेल नहीं होगी, इसके अंदर फुटाव आने में कम से कम 15 दिन के आसपास लग जाते हैं। और ये देखिए कुछ 15-17 दिन पहले मैंने कुछ प्लांट में ग्राफ्टिंग करी थी और देखिए सभी प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।